हेलो दोस्तों मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को आज का जो वीडियो है बांग्लादेश मीडिया बहुत आ, क्या बोलते हैं वो सुकून की सास बहुत मतलब लिटरली सेलिब्रेट कर रहे हैं कि कनाडा में कुछ इंडियन स्टूडेंट्स को वहां पे स्टडी नहीं करने दिया जा रहा है दे हैव नो आइडिया किस बून फॉर इंडिया एब्रॉड जो स्टडी करने जाते हैं दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं एक होता है कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल मतलब एवरेज से बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल जो कि वहाँ पे स्पेशली उनको बुलाया जाता है और या फिर जो है बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल जिनको इंडिया में लीडिंग कॉलेज में चांस नहीं मिलता तो किसी तरीके से पैसे दे के वहाँ पर सेटल होने के लिए वहाँ पर चाहे जाके जाएंगे बड़े बड़े कोर्स करने लेकिन बाद में जो है कमोट साफ करेंगे फिर पेट्रोल पंप में काम करेंगे इस टाइप के काम करते हैं गोरों के लिटरली ग़ुलामी करते हैं तो इन दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं तो अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जो कि बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको तो कनाडा ले या फिर ना ले हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और जो कि अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो अगर इंडिया में रहते हैं तो उससे इंडिया का ही फ़ायदा है तो बांग्लादेशी जो है अपने पर्स्पेक्टिव से देखते हैं वो उनको लग रहा है कि क्योंकि उनको अगर कनाडा चांस ना दे तो उनकी तो बिल्कुल एकदम करियर जो है वो डब्बा गोल हो जाएगा तो वो सोचते हैं कि इंडिया में भी शायद वैसा ही है इंडिया में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कनाडा में दो तीन स्टूडेंट्स अगर उनको चांस नहीं मिलता है तो हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है एनी वे बांग्लादेश की कॉमेडी जो है वो आपको अच्छे से इस वीडियो में जो है देखने को मिलेगा तो पहले वीडियो देख लेते हैं और इसके बाद तो कॉमेंट सेक्शन जो है आपको सुन के बहुत हंसी आएगी और मैंने उनको जमकर रिप्लाई किया है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं स्टार्ट बाय द वे आप इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट जो कि ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश चैनल है अगर आप मेरे चैनल में जो है मेरा 49 परसेंट का पार्टनर बनना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पर भारत जुड़े शुरू हुए पूरे भारत में आंसुओं का सिलसिला शुरू हो गया है छेले में कनाडा अवस्थान खास कर खासकर उनके लिए जिनके बच्चे कनाडा में रह रहे हैं या जो लंबे समय से कनाडा जाने का सपना देख रहे हैं कनाडा पर सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर और नई दिल्ली के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है दोनों देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल्ट कर दिया है माना जा रहा है कि भारत और कनाडा के रिश्ते इतिहास के सबसे लोवेस्ट लेवल पर पहुंच गए हैं इसके अलावा कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिक बेहद चिंता में दिन गुजार रहे हैं दूसरी ओर दोनों देशों के बीच मतभेदों और तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद कोई भी देश सार्वजनिक रूप से प्रतिबंध में शामिल नहीं हुआ है कनाडा सरकार से उस देश में रहने वाले खालिस्तान समर्थक सिख समुदाय की भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए बार बार अनुरोध करने के बावजूद भारत कनाडा को मना नहीं सका साफ है कि इस रिश्ते के जल्द सुलझने की संभावना कम है एक जाँच से पता चला है कि कनाडा ने इसके बजाय आरोप लगाया है कि एक साल पहले कनाडा में सिख नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट शामिल थे कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की इस हरकत को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता दरअसल सबूत हाथ लगने के बाद कनाडाई प्रशासन ने छह इंडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल्ड कर दिया टो आरोना ट्रूडो ने ये भी कहा कि कनाडा या दुनिया में कहीं भी कनाडाई नागरिकों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है खास तौर आरोप उन्हें ये स्वीकार नहीं होगा कि किसी दूसरे देश से कोई उनके देश में आकर हत्या कर दे। इस बीच कनाडा की इस कार्रवाई के बाद नई दिल्ली ने भी प्रतिक्रिया दी है भारत ने कहा है कि की कनाडा की कमेंट बेसलेस है भारत उनसे बार बार सबूत मांग चुका है लेकिन कनाडा नहीं दे सका भारत ने यह भी आरोप लगाया कि कनाडा ने राजनीतिक कारणों से ये कमेंट की है नो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बीन शेयर्ड बाय कनाडा ऑन दिस केस आइदर देन टेन बिफोर और आफ्टर एक परिस्थिति थे भारत ऐसे में भारत में मोदी सरकार की अपने नागरिकों के साथ साथ कनाडा में रह रहे भारतीय छात्र को लेकर सबसे बड़ी चिंता है नागरिक दिन देनीय दुई के मध्य वाणिज्य रूप इसके अलावा दोनों देशों के बीच बिजनेस पर एडवर्स इफेक्ट्स पड़ने की भी आशंका है जिसे भारत सरकार जल्द सुलझाना चाहते हैं है निज्जर हत्याकांड के बाद पिछले एक साल से कनाडा और भारत के बीच बायलैटरल रिलेशंस धीरे धीरे खराब हो रहे हैं इस मुद्दे पर कनाडा सरकार ने जिस तरह की कठोर कमेंट की उससे दोनों देशों के रिश्ते लोवेस्ट लेवल पर पहुंच गए हैं संपर्क का नाम लो तो सबसे पहले मोहम्मद अली ने कमेंट किया कि कनाडा के प्रधानमंत्री का बहुत बहुत शुक्रिया जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि जिसके देश का अंतिम क्रिया चल रहा है वो दूसरे देश का शुक्रिया अदा कर रहा है कांग्लादेश एट इट्स बेस्ट उसके बाद मोहम्मद राहत मिया ने कॉमेंट किया कि माशाला कनाडा ने चमत्कार उद्योग लिया है इस उद्योग को अल्लाह तला कबूल करे जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अबे जाब है जिसके देश को अपने परदादा देश इंडिया कबूल नहीं कर रहा है उसे क्या अल्लाह ताला कबूल करेगा तुम्हारे अल्लाह ताला का तो पता नहीं लेकिन इंडिया ने अगर प्रॉपरली बॉर्डर्स में और बांग्लादेशी पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल में ताला मार देना तो तुम्हारे विशेष अल्लाह तला कबूल करे या ना करे तुम्हारी जान जरूर कबूल कर लेंगे फिर मजे से घूमना अपने बहत्तर हु चुरालों के साथ उसके बाद सब्बीर रोसा ने कमेंट किया कि सारा दिन बाद एक खबर तो ऐसा सुना जिससे मन बिल्कुल खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि सोचो तुम्हारा कैसा देश है जहां सारा दिन कोई भी खुश होने वाली चीज सुनने को नहीं मिलती और एक जो खुश होने वाली चीज़ सुनी वो भी दूसरे देश से रिलेटेड है जिससे कि बांग्लादेश का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है उसके बाद इबादुर रहमान ने कमेंट किया कि जो हम नहीं कर सके वो कनाडा ने करके दिखाया है तो कनाडा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद उसके बाद द मैसेज ने कमेंट किया कि इंडिया और इसराइल को जो जितना जल्दी पहचान पाएंगे उनसे वो उतना ही दूर रहेंगे और उनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे और इसी में समझदारी है प्यारी समझ गई <laughs> उसके बाद मोहम्मद रसूल ने कमेंट किया कि ऐसी खबर और भी चाहिए ऐसे खबर सुनने से दिल को सुकून मिलता है ईद मुबारक उसके बाद अनवार हुसैन ने कमेंट किया कि ढाका से भारतीय हाई कमीशन को बाहर निकाल दो उसके बाद बाबर अहमद ने कमेंट किया कि अहंकार पावर और अत्याचार किसी भी शक्ति को नष्ट कर सकते हैं इंडिया अपने पड़ोसी देश को पावर दिखाते दिखाते ये सोचने लगा कि वो कनाडा को भी पावर दिखा सकते हैं अभी इंडिया इसका फल भुगत रहा है जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि तुम लोगों ने हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार किया पावर दिखाया तो तुम्हें लगा कि तुम एक हिंदू मेजोरिटी देश इंडिया को बुली कर पाओगे अभी ब्रिक्स समिट देख ले पांच आंखों की फाइव वाइज जो नेशन है उनकी तो आंखें फोड़ ही दिया है इंडिया ने लेकिन जिस फोर्स से कनाडा को लात पड़ा है इंडिया से उस फोर्स से अभी बांग्लादेश को लात हमने मारा नहीं है अगर उसी फोर्स से हम बांग्लादेश को भी लात मारे ना तो बांग्लादेश को बर्बाद होने में दो दिन भी नहीं लगेगा उसके बाद एम डी नजमुल होसामुमान ने कॉमेंट किया कि अलहमदुल्ला इसे कहते हैं अच्छी न्यूज उसके बाद रॉनी अलमामून ने कॉमेंट किया कि अगर पूरा का पूरा पृथ्वी इंडिया को आइसोलेट कर देता तो दो दिन तक मैं नमाज पढ़ते रहता उसके बाद मोहम्मद हबीब ने कमेंट किया कि इंडिया एक ऐसा देश है जिसे कोई भी मन से प्यार नहीं करता उसके बाद अब्दुल वाहिद ने कमेंट किया कि मोदी बहुत जल्द ही कनाडा से माफी मांगने पे मजबूर हो जाएगा मस्त जोक ये उसके बाद मोहम्मद आशी कर रहमान ने कमेंट किया कि अगर कनाडा से हर एक इंडियन को निकाल देता तो बहुत अच्छा होता उसके बाद मोहम्मद सुमन मिया ने कमेंट किया कि अच्छा उद्योग है कनाडा की तरफ से मैं बांग्लादेश से खालिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार करता हूँ जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि पहली बात तो तुम एक बांग्लादेशी तो सोचो अगर होल बांग्लादेश भी जो है किसी चीज को स्वीकार करते हैं तो उससे दुनिया में घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता और रही बात खालिस्तान की तो हम भी खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं इनफैक्ट तो हम खालिस्तान बनने में मदद करेंगे ये बात अलग है कि हम कनाडा के टुकड़े काट के वहां पर खालिस्तान बनाएंगे अगर लॉरेंस बिश्नोई ने एक भी खालिस्तानी को जिंदा छोड़ा तो उसके बाद पांडा म्यूजिक ने लिखा है कि बांग्लादेश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो कि कनाडा को किसी भी टाइम किसी भी टाइप की मदद करने के लिए रेडी है

वो वही करेंगे जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि एक्जैक्टली exactly, इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद तो कर दिया पर यह भूल गया इंडिया कि बांग्लादेशी पैदाइशी गुलाम है पाकिस्तान के दो टुकड़े करने के बाद भी एटलीस्ट बांग्लादेश को जूते साफ कराने के काम के लिए इंडिया को रखना चाहिए था लेकिन कहा इंडिया ने एडुकेशन ट्रीटमेंट ये सब चीज जो है बांग्लादेश को दे दिया इस सब चीज में इन्वेस्ट किया ये तो इंडिया ने गलत किया बिल्कुल इसीलिए तो बांग्लादेश के लोग जो है इंडिया से इतना गुस्सा है अभी देखिए कि जस्टिन ट्रूडो और कनाडा के जूते साफ करने के लिए ये लोग कितने एक्साइटेड है इंडिया को भी बांग्लादेश को कुछ ऐसा काम देना चाहिए था ना तो दोस्तों कमेंट का सिलसिला आज यहीं पे खत्म करूंगा मिलता हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय